आपके ऑफिस में बवाल हुआ कैसे? वो लड़का अगर परिचित का नहीं था तो बवाल हुआ कैसे? बवाल जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं और आंगनबाड़ी ने यहाँ पे गाली दिया है, उनके बच्चे ने खुद उस बच्चे को मारा है। मैडम अभी आपके ऊपर आरोप है कि आप जो है कि 2000 रुपया लेती हैं राशन देने के लिए, और जो मारने वाला व्यक्ति है आपके सहयोगी है या कहाँ का अन्य था? कोई मेरा सहयोगी नहीं। अच्छा जी, लेकिन ये बवाल हुआ कैसे आपके ऑफिस में? बवाल हुआ कैसे? वो लड़का अगर परिचित का नहीं था तो बवाल हुआ कैसे? बवाल जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं और आंगनबाड़ी ने यहाँ पे गाली दिया है, उनके बच्चे ने खुद उस बच्चे को मारा है। मैडम अभी आपके ऊपर आरोप है कि आप जो है कि 2000 रुपया लेती हैं राशन देने के लिए, और जो मारने वाला व्यक्ति है आपके सहयोगी है या कहाँ का अन्य था? कोई मेरा सहयोगी नहीं। अच्छा जी, लेकिन ये बवाल हुआ कैसे आपके ऑफिस में? बवाल हुआ कैसे? वो लड़का अगर परिचित का नहीं था तो बवाल हुआ कैसे? बवाल जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं और आंगनबाड़ी ने यहाँ पे गाली दिया है, उनके बच्चे ने खुद उस बच्चे को मारा है। मैडम अभी आपके ऊपर आरोप है कि आप जो है कि 2000 रुपया लेती हैं राशन देने के लिए, और जो मारने वाला व्यक्ति है आपके सहयोगी है या कहाँ का अन्य था? कोई मेरा सहयोगी नहीं। अच्छा जी, लेकिन ये बवाल हुआ कैसे आपके ऑफिस में? बवाल हुआ कैसे? वो लड़का अगर परिचित का नहीं था तो बवाल हुआ कैसे? बवाल जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं और आंगनबाड़ी ने यहाँ पे गाली दिया है, उनके बच्चे ने खुद उस बच्चे को मारा है। ज्यादा बवाल हो गया।